डिनर। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज, सुपर बॉय सूरज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पबजी मोबाइल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। मैंने पबजी को इस लॉकडाउन में लॉकडाउन वॉरियर क्यों कहा, यह आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम सब कोरोना वायरस के कारण अपने अपने घरों में पड़े हैं, लेकिन जब हमें मार्केट की पानी पूरी, पकौड़ी, पिज्ज़ा याद आता है तो हम पबजी प्रेमी पबजी में ध्यान लगाते हैं। फिलहाल इन दिनों हम पबजी दीवाने, ऑनलाइन स्टडी के बहाने पबजी खेलते दिखाई देते हैं। पबजी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। गेम के अंदर में 100 लोग पैराशूट से एक ग्रुप में उतरते हैं और हथियारों को ढूंढते हैं, और हथियारों को ढूंढते हुए जैसे कि AKM, AWM इस टाइप के हथियार होते हैं, पर उनको ढूंढते हुए और इनिमीज को मारते हुए, किल करते हुए आगे बढ़ते हैं। पबजी मोबाइल एक तरह का वर्चुअल वीडियो गेम है जिसे मोबाइल या कंप्यूटर दोनों पर खेला जा सकता है। इसका पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड है। इस गेम को चलाने वाली कंपनी का नाम टेंसेंट कंपनी है और पबजी मोबाइल को बनाने वाले का नाम है ब्रैंडन ग्रीन, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। इस गेम को सबसे पहले कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। इसके बाद सन 2018 में इसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल प्ले स्टोर में डाल दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पबजी से हमें क्या फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन में टाइम पास हो जाता है। टीम वर्क, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीटास्क कई कामों को एक साथ करने की क्षमता हमें विकसित होती है। ट्रैकिंग क्षमता बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है। हाँ, इसमें थोड़ा कंडीशन लागू होता है कि हमको 12 घंटे 10 घंटे नहीं खेलना है। पबजी से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं यह भी जान लीजिए। सबसे पहला नुकसान तो यह होता है कि हमारा स्वभाव जो है वो हिंसक होने लगता है, हम हिंसक प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा खेलने वालों के लिए है, जो कि एक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जिसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा टाइम गेम खेलने से होता है और यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।